नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो द्वारा बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत ही सरल टॉपिक है दोस्तों, जिसके प्रयोग से आप किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, टॉपिक है तिलक द्वारा वशीकरण कैसे करें। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कोई भी इंसान आपके वश में हो जाए और आप उसे मनचाही बात या मनचाहा प्यार मनवा सकें या करवा सकें, तो दोस्तों आज ऐसा ज़रूर होगा। आप उस इंसान का घर बैठे ही तिलक द्वारा वशीकरण कर सकते हैं। तो दोस्तों, तिलक से वशीकरण कैसे करें और ये कैसे होता है और कैसे किया जाता है, जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, किसी भी दिन प्रातःकाल हनुमान मंदिर में जाकर आपको पूजा अर्चना करनी है। फिर माथे पर चंदन का तिलक लगाकर दोस्तों आपको मंत्र का जाप करते हुए उस इंसान के पास जाना है जिसको वश में करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको मंत्र का जाप करना है अमूक की जगह। दोस्तों, जहां पर अमूक शब्द का प्रयोग हुआ होगा वहां पर आपको उस इंसान का नाम लेना है जिसको वश में करना चाहते हैं। दोस्तों, मंत्र है माता अंजनी का हनुमान, मैं मनाऊं तू कहना मान, पूजा दे सिंदूर चढ़ाऊं, अमूक को रिंझाऊं और उसको पियाऊं, यह टीका तेरी शान का, वह आवे जब मैं लगाऊं, नहीं आवे तो राम राजा राम की दुहाई, मेरा काम कर, नहीं आवे तो अंजनी की सेज पर। दोस्तों, ये मंत्र आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से आप देखकर बिल्कुल आसानी से जाप कर सकते हैं। दोस्तों, मंदिर जाने से पहले आपको स्नान करना है और ध्यानपूर्वक आपको मंदिर में जाना है। इस मंत्र का जाप किसी भी दिन आप दोस्तों कर सकते हैं, मगर आप अगर इस मंत्र को मंगलवार से शुरू करें तो वशीकरण के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। पूजा अर्चना केवल हनुमान मंदिर में ही करें दोस्तों। सफ़ेद चंदन से ही तिलक माथे पर लगाएं और मंत्र का उच्चारण करें। इस मंत्र के द्वारा आप किसी भी स्त्री या पुरुष दोनों को वश में कर सकते हैं। यह मंत्र आज तक विफल नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि लाखों लोग इसके द्वारा फायदा उठा चुके हैं। आप भी इसके द्वारा किसी को वश में करके उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो एक बार हमारे पंडित जी से जरूर संपर्क करें, जो आपको इस टोटके से जुड़ी जानकारी बताएंगे। तो दोस्तों, मंत्र आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप देखकर जाप कर सकते हैं अगर आपको कहीं पर दिक्कत आती है। दोस्तों, हमारी दूसरी वीडियो से जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके दूसरी वीडियो से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो अभी जरूर कर लीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दोस्तों।